लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से आपको बता दें, मुर्तजा को फिलहाल बताया जा रहा है उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में गोरखपुर हमले के मुर्तजा को भेज दिया गया है। आगे तफ्तीश होगी, सच सामने आएगा। आप अपनी सियासत सजा रहे हैं क्या इसी घटना के आधार पर? सुधांशु जी जवाब दीजिए। अंजना जी, यह सियासत का पुराना घिसा पिटा राग हो गया। जैसे ही कोई एक मजहब से जुड़े आतंकवाद की बात आती है, आतंकवाद का मजहब नहीं होता है, यही तो सुप्रिया जी कहने का प्रयास कर रही हैं। मगर अभी हम लोग चंद दिनों पहले खूब टीवी पर बहस किए हैं अंजना जी, एक फिल्म में दिखाए गए आतंकवादियों के आतंकवाद का मजहब होता है, मगर हकीकत में आतंक करने वाले का आतंकवाद का मजहब नहीं होता है। चार फर्जी केस आप दायर कर दीजिए तो हिंदू आतंकवाद हो जाता है, मगर एक प्रकार के आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं, समस्या यहां पर राजनीति की, और इन्होंने एक बात कही बड़ी अच्छी, जज और जूरी बनना। सुप्रिया जी, अरे आप कह रही हम जज और जूरी बन रहे हैं, अरे आप लोग तो जज और जूरी के बाप बन जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अफजल गुरु को फांसी दी थी, आपके शशि थरूर मणिशंकर अय्यर ने ट्वीट किया कि अफजल तो हालात का मारा था, उसके साथ गलत हुआ। आपने कहा कि हम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी बन जाते हैं, यह बताइए बोध गया में ब्लास्ट हुआ नहीं था कि दिग्विजय सिंह ने कह दिया था इसमें हिंदू संगठनों का हाथ है? आपके लोग तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के बाप बन जाते हैं। 26/11 आपकी सही ने कराया, आपकी सरकार कहती थी, और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के गुरु दिग्विजय सिंह जी कहते थे आरएसएस ने कराया। अरे ये बताइए इशरत जहां आतंकवादी है, ये आपकी सरकार का आईबी चीफ कहता था और आपके नेता कहते थे वो बेटी है। तो भाई आप तो जज और जूरी से भी बहुत ऊपर उठ जाते हैं। सियासत ये हकीकत से मुंह मोड़ना सियासत नहीं है, हकीकत को जानबूझकर देश के साथ होने वाले खतरों के बावजूद उस पर सियासत करना। यह सुप्रिया जी, सुप्रिया जी इसके बाद मैं आ रही हूं अपने मेहमानों के पास। विक्रम जी आ रही, अंजना जी, अंजना जी दिक्कत यह है कि जो गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में हुआ वो निंदनीय है, वो कुकृत्य है, उसकी मैं भर्त्सना करती हूं, लेकिन उतनी ही भर्त्सना मैं यति नरसिंहानंद की भी करती हूं। क्या करेंगे भर्त्सना सुधांशु जी? क्या करेंगे भर्त्सना की कैसे वो धार्मिक उन्माद फैला रहा है? क्या करेंगे भर्त्सना की कैसे इस देश को सदियों हम पीछे ढकेल रहे हैं जब हम हिंदू मुसलमानों को लड़ा रहे हैं? क्या करेंगे भर्त्सना कि क्या ये देश का नुकसान नहीं हो रहा है कि जिस देश में युवाओं के हाथ में नौकरियां होनी चाहिए वहां हिंदू और मुसलमान दोनों युवाओं को लगता है कि वो नारेबाजी करेंगे, वो धार्मिक उन्माद फैलाएंगे और उनको लगता है कि वो बहुत बड़ी कृपा कर रहे हैं अपने अपने धर्मों पर। जिस दिन हमारी आंखें इस सत्य के लिए खुल जाएंगी सुधांशु जी, उस दिन यह देश प्रोग्रेस करने लगेगा। दिक्कत की बात यह है कि हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने से आप अपनी सत्ता की रोटियां मत सेकिए, आप मत ये काम करिए, ये गलत है। जो मुर्तजा ने किया उसकी क्या स्थिति है मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी उसने किया उसको कड़ी से कड़ी सजा, अगर वो मानसिक रूप से ठीक है, बिल्कुल मिलनी चाहिए। किसी की हिम्मत कैसे होती है मंदिर के अंदर, प्रांगण के अंदर ये करने की और सिक्योरिटी पर्सनल्स पर आक्रमण करने की, लेकिन किसी की हिम्मत कैसे होती है इस औरतों, इस देश की औरतों के ऊपर, इस देश की महिला मंत्रियों के ऊपर, इस देश में महात्मा गांधी के ऊपर, इस देश के खिलाफ एक कौम पर इतना बोल जाने की? उसको बेल मिली है और वो आकर फिर बकवास करता है और उसके खिलाफ FIR होती, क्यों नहीं आदमी जेल में है? और उसके जैसे तमाम उसके साथी क्यों नहीं जेल में? क्यों आपकी उत्तराखंड पुलिस को 1.5 महीना लग गया था, चलो दिल्ली पुलिस ने FIR तो करी? क्या यति नरसिंहानंद को खुले आसमान के नीचे सांस लेने की आजादी होनी चाहिए इस भारतवर्ष में, इस देश में जहां पर हम गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं, मुझे लगता है ये हिंदू बनाम मुसलमान नहीं है, ये देश में हिंसा फैलाने वाले लोगों के खिलाफ है, धर्म के ठेकेदारों के खिलाफ है और मुर्तजा जैसे लोगों और तमाम यति नरसिंहानंद जैसे लोगों के खिलाफ है जिनको लगता है कि वो कानून अपने हाथ में लेके जो करना चाहे कर सकते हैं। जी नहीं, ये देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, ठीक है। यहाँ पर कोई सुधांशु जी छोटा सा जवाब, मुझे अन्य मेहमानों के पास भी जाना है। वो सीधा कह रही है ये आपके कुशासन की वजह से देश में असंतोष है, बेरोजगारी फैली है, उसकी वजह से असंतोष है, उसकी वजह से युवा इस तरह का उन्माद कर रहे हैं। फिर बकवास की बात आ गई कि जो व्यक्ति अच्छी हाईली एजुकेटेड अच्छी नौकरी में है वो बेरोजगारी की वजह से उन्माद कर रहा है। इसी ढंग की एब्सर्ड बातों की वजह से समस्या का इलाज नहीं हो पाता है। अब देखिए इन्होंने एक बात कही, ये बताइए भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, अरे व्यक्ति बड़ा या देश बड़ा? वो तो भटके हुए नौजवान है, जंग चलेगी कश्मीर की आजादी तक नहीं भारत की बर्बादी तक, वो तो भटके हुए नौजवान है। और सुप्रिया जी आपकी आंख में पूरी खोल देता हूं, ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई भारत में हो रही ना, ये बर्मा में क्या हो रहा है, बौद्धों से लड़ाई, चाइना के सिकांग प्रोविंस में कम्युनिस्टों से लड़ाई,
चेचेनिया में रूसियों से लड़ाई, थाईलैंड में बौद्धों से लड़ाई, अफगानिस्तान में, सीरिया में आपस में लड़ाई, सोमालिया, इथोपिया में अफ्रीकियों से लड़ाई, दुनिया को छोड़ दीजिए, लंदन, मैड्रिड, ब्रिस्बेन, यूरोप में क्रिश्चियनों से लड़ाई, गाजा स्ट्रिप में यहूदियों से लड़ाई, 9/11 में जाके, अरे साहब ये बड़ी बीमारी है, इसको इतना छोटा करने की जो कोशिश कर रहे हैं ना, तिनके की ओर में पहाड़ छुपाने की कोशिश मत करिए, बड़ी बीमारी का इलाज करने के लिए उन लोगों को समझाइए, फिर आप बीच में डिस्टर्ब करने लगी, मैंने जरा सा हाथ खोली आपकी, ठीक है, शुक्रिया, अच्छी बात है।